नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करते हैं उत्तराखंड की अहम खबरों का सिलसिला। हल्द्वानी में सिख समुदाय की ओर से 354वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान महामंत्री जगजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारे के चौराहे का नाम गुरु गोविंद सिंह चौक रखा गया है। इस दौरान समुदाय के लोगों ने खुशी जताते हुए कमेटी मेंबर पार्षद नरेंद्रजीत सिंह और रमनजीत सिंह के प्रयासों के चलते चौक का नाम श्री गुरु गोविंद सिंह चौक रखा गया है। साथ ही साथ समुदाय के लोगों ने इस दौरान मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला का भी आभार जताया है। महाराज का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत कृपा है महाराज की। उसने कृपा की हल्द्वानी शहर के ऊपर, इस जो मार्ग था गुरु द्वारा साहब जी का मार्ग जो था उसका एक नाम रखा है गुरु गोविंद सिंह चौक। महाराज की कृपा और नगर का मेहरबानी हुई है जिन्होंने ये कृपा की है और ये टावर का आज मुहूर्त हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी चौक। इसके लिए सब शहरवासियों को साथ साथ बहुत बहुत बधाइयाँ। हमारा यह है कि इसमें कहना कि पिछली बोर्ड में ये प्रस्ताव आया था क्योंकि इसी क्षेत्र के पार्षद साहब ने रखा था और इस बार इस बोर्ड में मनोज जोशी द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया था, तो जिसमें नरेंद्र तिवारी और प्रकाश पंत मार्ग, तो इसमें भी गुरु गोविंद सिंह जी चौक का नाम हमने कहा जी पहले जो प्रस्ताव पास हुआ था उसके रद्द होना चाहिए। गुरुद्वारे के सौजन्य से और नगर निगम सभी पार्षद गणों के साथ मिलकर ये हुआ और आज इसी चौक का नाम रखा गया और इसमें हमारा गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा और हल्द्वानी के समूह शिक्षा संगत का पूरा योगदान है। दिल्ली में चल रहे कृषि कानून के विरोध को लेकर उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा 23 फरवरी को देहरादून में राजभवन पर प्रदर्शन करने जा रहा है। इस दौरान डोईवाला में किसान मोर्चा की बैठक में किसान नेता तेजिंदर सिंह ने बताया कि कृषि बिल किसानों के लिए काला कानून है। इस दौरान उन्होंने सरकार से इस बिल को वापस लेने की मांग करने की बात कही है। कि सरकार कह रही है कलम पकड़ लो, जो आपने इसमें बदलाव करना कर लो। इसका सरकार तैयार है, कहीं ना कहीं झुकने के लिए तैयार है, लेकिन तीन कानून जरूरत नहीं होंगे। रात उनसे पूछ रहे थे कि जब तीनों चीज़ आप सब कुछ बदलने को तैयार हो तो क्यों नहीं कानून रद्द कर देते आप। उस चीज़ में सरकार ने लेकिन बेशर्मी की हद पे केंद्र सरकार चली गई है। भी हम काम करते हैं इस क्षेत्र के अंदर या यहाँ भी, मेरा डोई वाले अपने घर से चल के यहाँ तक आने तक का सरकार को पता है कि आज डोई वाला में या उत्तराखंड में क्या हो रहा है। उनकी एजेंसियां इतनी जबरदस्त हैं, उनको सब इंफॉर्मेशन है। और जो ये आरोप लगाते हैं कि लोग, हाँ हम ये कहते हैं कि दिल्ली में भी जो प्रदर्शन होगा शांतिपूर्ण होगा। टिहरी जिले में एसएसपी के निर्देशों के बाद नई टिहरी कोतवाली में 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के साथ ही बढ़ते साइबर क्राइम के मामलों को लेकर जागरूक किया। इस दौरान कोतवाल देवेंद्र रावत ने यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। अच्छा माह जो हमारा यातायात निदेशालय के वहाँ से आदेश हुए उसमें एक माह का चलेगा, ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, तो उसमें डेली का एक प्रोग्राम आया हुआ है। तो आज हमने पब्लिक के साथ एक संवाद रखा हुआ है कि ये अपना बताएं ट्रैफिक के बारे में, कुछ हम बताएं ना ट्रैफिक के रूल्स के बारे में, कौन कौन सी नई ऐप आ गई हैं। इसमें एक ट्रैफिक आई करके एक ऐप आया है उत्तराखंड ट्रैफिक आई, जिसमें कि आप कंप्लेंट कर सकते हैं सीधे जाके। चंपावत जिले के टनकपुर में खनन माफियाओं की गतिविधियां बढ़ने पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज करने की बात कही। वहीं इस पर एसडीएम हिमांशु कफलटिया ने बताया कि अवैध खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने जनवरी महीने में अब तक 1,28,000 की पेनल्टी वसूले जाने के साथ ही प्रशासन की ओर से अवैध खनन और ओवरलोडिंग की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाने की भी बात कही है। टनकपुर क्षेत्र में रिवर ट्रेनिंग और जो शारदा में खनन का प्रारंभ हुआ है, तो इसमें हमारे द्वारा खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करी जा रही है। जनवरी माह में अभी तक हमारे द्वारा कुल मिलाकर 1,28,000 की पेनल्टी वसूल कर ली गई है। आने वाले समय में भी हमारे प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और इस पर किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाजपुर में नगरपालिका बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के साथ ही शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा लगाने के अलावा 30 अन्य प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में मौजूद सभी सभासदों ने इस पर सहमति जताई। साथ ही साथ बैठक में पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह गित्ते ने नगर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने की भी बात कही है। निर्णय लिया गया है जैसे कि हमारे शहर में सबसे मेन निर्णय कि जानवर मर जाते हैं, गाय भैंस या कुत्ता,
तो उनको उनका क्रियाक्रम करने के लिए तो जाया जाएगा, मतलब डीएम साहब के पास ये जगह चिन्हित करके हमें दी जाए ताकि उन्हें इधर उधर फेंका ना जाए। और दूसरा, विकास कार्य बहुत समय से हमारे यहाँ बंद पड़े हैं, तो इसको देखते हुए कम से कम 80-90 लाख के टेंडर जो है पुराना नगर पालिका क्षेत्र है उसमें करने के लिए काम के लिए कराया गया है, और शासन में प्रशु कराया जाएगा जो हमारा पैसा 8 करोड़ रुपये का जो नया परिसमन होने का क्षेत्र जुड़ा है हमारे से वार्ड नंबर 11, 12, 13, इसमें सरकार ने आज तक 1 रुपया नहीं दिया है विकास कार्य के लिए। सिर्फ बाबा लूट ली उस समय कि साहब हमने ये क्षेत्र जोड़ दिया और इन्हें शहर जैसी सुविधा दी जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।